everyone. Welcome or welcome back to our channel. I hope आप सब ठीक होंगे. तो आज हम आए हैं रेल म्यूजियम जो कि है हुबली में. ठीक रेलवे स्टेशन के बगल में और रेलवे हॉस्पिटल के सामने. तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर. आज हमारे साथ हमारा छोटू सा नन्नू सा नावीन्य भी आया है. और हम कितने बजे आए हैं? शाम के सात बज रहे हैं. तो चलिए हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं. यहाँ सारी लाइटिंग की अरेंजमेंट है. ये है टॉय ट्रेन और यहाँ पे है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रेलवे में यूज होते थे. हम जा रहे हैं अब घटाप्रभा स्टेशन. तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन रखी है डिटेल में. और यह इंस्ट्रूमेंट्स है सारे जो रेलवे में स्टेशन पे या फिर जो ऑफिसेस थे वहाँ पे यूज होते थे सारे यहाँ पे रखे हैं. और ये रहा हुबली का रेलवे स्टेशन मॉडल. मॉडल पिक्चर है जो पुराने जमाने का रेलवे स्टेशन कैसा था. ये सारी मशीनरीज हैं जो यूज होती थी. अभी भी कुछ हो रही होगी उसकी ये मॉडल्स रखे हैं. यहाँ पे छोटा सा घर बनाया है जहाँ पे फोन्स टेलीफोन्स मशीन्स जो उनका बात करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ होते थे सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं. यह है टाइपराइटर. ये स्काउट्स एंड गाइड्स का ही सेक्शन है. वहाँ पे टाइपराइटर रखा है. और ये है स्काउट्स एंड गाइड्स के कुछ इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. ये रहा हम और नाविन्य. और ये कुछ स्टेशन के नाम्स हैं यहाँ पे. और यह इस वक्त बहुत रो रहा था ये. तो चलते हैं दूसरे सेक्शन में. यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं. वेट मशीन वगैरह वगैरह सब रखे हैं. आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में. ये वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्न है. हॉर्न यानी वो वाले सीन नहीं, ये हॉर्न जो ट्रेन के इंजन के ऊपर लगाते हैं उस टाइप के हॉर्न, वो वाले हॉर्न यहाँ पे लगाए गए. ये ट्रैक डाइवर्टर कपलर जो डाइवर्ट होता है वो है. ये रहे पंचिंग मशीन जो पंच करने के लिए यूज़ करते हैं रेलवेज में. पंचिंग मशीन है रेलवे. और ये यहाँ पे है हर इंडिया में जितने भी रेलवेज है उन सब के नाम और चित्र. तो ये था एक स्टेशन जो घर जैसे बनाया था घटप्रभा. उसके बाजू से ऐसा रास्ता जाता है. और ये यहाँ पे एक बोगी रखी है जो कि पहले रेस्टोरेंट में कन्वर्ट की थी पर ये अभी बंद थी. तो हम इसके पीछे के साइड से जा रहे हैं. यहाँ पे वॉशरूम है और ये एक छोटा सा ये कैफेटेरिया है. कैफेटेरिया है जैसे बनाया है. रेस्टोरेंट नहीं है वो, कैफेटेरिया है. हाँ तो बंद क्यों है? उनको कुछ हुआ होगा, कुछ लॉस हो गया है. अच्छा तो मतलब अभी कोई दूसरा लेने का. उसके बाजू में एक बोगी है उसमें ये है ना क्या बोलते उसको वो थिएटर है कि वहाँ तो रेलवे का हिस्ट्री बताते हैं. उसका भी टिकट लगता है ना. हाँ उसका भी अलग से फीस है. और ये क्या है? ये जो मैं बैठा हूँ ना ये है कौन सा इंस्पेक्शन करते हैं इसके ऊपर ट्रैक का घाट सेक्शन में वगैरह इंस्पेक्शन होता है इसमें. अच्छा तो इसमें सिर्फ जो काम करने वाले वही लोग बैठ सकते हैं? हाँ हाँ हम नहीं बैठ सकते. नहीं नहीं वो उनके लिए. तो यहाँ तो हम बैठ सकते हैं ना. यहाँ पे तो म्यूजियम है ना इसलिए तो बैठ सकते हैं ना. हाँ तो अभी ये बाजू में और एक छोटा सा घर जैसा है. ये पुराने जमाने के रेलवे पहिए टायर पटरी पे चलने वाले पहिए. इसमें बड़े से छोटे से लेके सब है. सब है तो ये सारा रेलवे का ही माल है. रेलवे का ही है माल तो रेलवे का है. रेलवे का ही म्यूजियम है. ये दूसरा घर है. ये है मल्लप्रभा स्टेशन. वो घटप्रभा ये मल्लप्रभा. लाइटिंग बहुत अच्छी लगाई है. हाँ यहाँ पे सारे अचीवमेंट्स वगैरह फ्रेम करके रखे हैं. इंफॉर्मेशन जो रेलवे में ये है मल्लप्रभा का स्टेशन मास्टर का कैबिन. अच्छा ये रिंग्स क्या है? वो रिंग्स यूज होती है जब
सिग्नल देने के लिए। नहीं हाँ सिग्नल देने के लिए, और जब एक स्टेशन, हर एक स्टेशन पे वो रिंग्स एक्सचेंज होती रहती है। अच्छा वहाँ पे स्टेशन मास्टर उसी लिए खड़े थे। पर ये बहुत पुरानी हो गई है अभी जगह, पर इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेन में रेलवे में, जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। ये चेयर भी रखी है। हाँ ये चेयर किसकी है? वो रेलवे की है। सब रेलवे का ही है। एक म्यूजियम में कन्वर्ट करके रखा है उन्होंने। ये टेबल्स ऑफिस, ये सारा सेटअप जो है वो ऑफिस का सेटअप लग रहा है। जो उनकी मशीन रेलवे मास्टर का, स्टेशन मास्टर का सेटअप है। तो ये इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसमें ज़्यादा मशीनरी थी। तो ये बाहर का सेक्शन है, ये गार्डन जैसे बनाया है। और यहाँ का जो डेकोरेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आता है, बोर नहीं होता। और ये जो हाथी था वहाँ पे बगल में, वो था रेलवे का लोगो। अच्छा मास्कट क्या बोलते हैं वो, अब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो रहता है ना एक बॉलर, क्या बोलते हैं उसे, याद कर लो फिर बताना। अभी हम वो जो हमने दो बोगी दिखाई थी ना, एक रेस्टोरेंट वाली और एक थिएटर वाली, ये थिएटर वाली बोगी, ये थिएटर वाली बोगी है, इधर साइड में रेस्टोरेंट वाली बोगी है। थिएटर वाली बोगी चालू थी, रेस्टोरेंट वाली बंद थी। पर थिएटर वाली का भी टाइमिंग है, वो मूवी का टाइमिंग है, एक घंटा दो घंटा का जैसा टाइमिंग है उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी तीसरी और बोगी थी, वहाँ पे सब कुछ बोगी में डाल के रख दिया है। ये उसका इंजन है, नहीं ये स्टीम इंजन है। ये स्टीम इंजन है जो पहले चलते थे, स्टीम इंजन को भी कन्वर्ट किया है। देखो ये अच्छा है, हम ओरिजिनल ट्रेन में जाके नहीं बैठ सकते पर यहाँ पे इंजन में आके बैठ सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ का। पर हम लेट हो गए, हमें जल्दी आना चाहिए था। हाँ पर अंधेरे में भी लाइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ तो ये इंजन ख़त्म हो गया, अभी उतर जाना है। अरे ये वो केबिन था जहाँ पे लोको पायलट बैठता है उसका केबिन था वो। अच्छा तो ये पीछे है अभी पैसेंजर। अरे वो ये तो इंजन ही है, इंजन के इतना बड़ा इंजन दिखा रहा है पर पायलट के लिए दूसरी जगह। हाँ ऐसे कैसे, पायलट को तो सभी इंस्ट्रूमेंट वहीं पर रहते हैं, बाकी तो सब इंजन ही रहता है। हाँ मशीन से रहते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात भी है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ताकि जो जिनको नहीं पता वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये बोगी रखी है, इसके अंदर हम चले। चलो ये तो हमारी नॉर्मल ट्रेन है पर इस पे वो ये नहीं लगे जैसे अभी लगते हैं। ये लोकल बोगी है। ये आंटी बैठी है इसमें। ये तो ये स्टैचू है ये। अच्छा स्टैचू है। आप हाँ आप जाके इसके बगल में फोटो निकाल लो। फोटो निकाल लेते हैं हम तो यहाँ पे, मतलब ये शो कर रहे हैं कि पैसेंजर बैठते हैं और ये तो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो इंडिया में हर तरह के रिलीजन लोग हैं ना। हाँ उसके हिसाब से यहाँ पे छोटे बच्चे बड़े बच्चे। ये सीट मुझे मिल गई, मैं तो यहाँ बैठ जाऊँगी। आप बैठ जाओ, और पीछे बाथरूम भी है। अरे वाह, मतलब ये तो हमारी ओरिजिनल, ये तो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है। हाँ ओरिजिनल ट्रेन को बोगी में कन्वर्ट किया। बोगी को बोगी में तो मतलब कन्वर्ट किया है। बोगी तो है, बोगी है पर उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं किया, बोगी को उठा के म्यूजियम में रखा है। हाँ ये तो आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन चलता है। ये रहा डीजल इंजन का इंफॉर्मेशन। अभी कौन से, अभी तो इलेक्ट्रिक वाले चल रहे हैं ना। अभी इलेक्ट्रिक वाले चल रहे क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है ना, धीरे धीरे डीजल खत्म हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक का जमाना है। ये डीजल इंजन, ये रहे लोको पायलट। अच्छा ये पायलट साहब गाड़ी चला रहे हैं जी। पायलट जी जरा आराम से गाड़ी चलाना, हमें बराबर से पहुंचा देना। वो आराम से ही चलाते हैं, उनको
एक सेकंड की भी झपकी नहीं ले सकते हो जब इंजन चल ट्रेन चलाते तब? सो नहीं सकते, साथ में कोई रहता हम बनाओ? दो लोग रहते हो। यह है ट्रैक चेंजिंग लीवर। यहाँ से ये लीवर को ऊपर खींचने से या वापस खींचने से ट्रैक चेंज होता है। जब ट्रेन चलती है ना तो ट्रैक इसी से चेंज करते हैं। मैनुअली? ये मैनुअली है, ये तो इलेक्ट्रिकल ही है, सब बटन दबाने से हो जाता है। अच्छा, और ये? ये है एंड ऑफ ट्रैक, यानी ये इसके आगे ट्रैक नहीं है। अच्छा, और ये कौन सा? ये क्या है? ये सिग्नल, शंट सिग्नल। वो ट्रैक के बीच में चलते रहता ना, रेड ग्रीन ऐसा। हाँ, वो। और ये है हाथी महाराज। हाथी महाराज से पहले मोर को दिखा दो। ये मोर है, ये मोर क्यों है? पता नहीं, क्यों पता नहीं। और हाथी, वो तुम्हारा याद आया कि नहीं हाथी का? ये हाथी को तो बोलते हैं मस्कट। अच्छा, मस्कट ने मस्कट कुछ इसे ऐसे ही बोलते हैं कि वो बराबर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। तो आज हमने यहाँ का वीडियो शूट किया है। ये तो हाय नहीं बोलता, ये तो रोता ही रहता है। तो आज हमने आप यहाँ का वीडियो शूट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो ये है पूरा यहाँ का व्यू, बहुत ही अच्छा। अब हम जा रहे हैं घर वापस।